देख भाई देख, देख ना भाई देख, नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ के गांव सलोनी में। यहां पर व्यापारियों द्वारा आलू की खरीद फरोख्त की जा रही है। जिस प्लॉट में मैं मौजूद हूं ये चिप्सोना का है और इधर बगल में आप देख रहे हैं ये जो है सूर्य का है। यहां पर जो है व्यापारी आए हुए हैं और आप इन सारिक भाई से तो परिचित ही होंगे, ये टोटल आलू करते हैं। और मैं आज ये जिनसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि व्यापारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, आलू की परचेसिंग भी कर रहे हैं, क्या रेट पर सौदे हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक 37-97 के ही सौदे खुले हुए थे, चिप्सोना और सूर्या के कोई सौदे नहीं हुए थे। तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है और मौसम के बावजूद यहाँ पर जो है व्यापारी देखिए आलू की टेस्टिंग कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं किस प्रकार का आलू उन्हें चाहिए। आखिर उन्होंने आलू का क्या देखकर चयन किया है और कितने रुपए प्रति पैकेट में चिप्सोना तय किया है और कितने रुपए प्रति पैकेट में सूर्य आलू तय किया है? क्योंकि इस समय पर पक्के आलू की खुदाई में अभी लगभग एक महीने का समय तो आप मान ही लीजिए, क्योंकि 20 फरवरी से शुरू होगी, आज 19 तारीख हो गई। जब 19 तारीख हो गई है तो ये जो व्यापारी लोग हैं ये खेतों में उतर चुके हैं। और क्या रेट खोला है मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया जी नमस्कार, थोड़ा आ गया जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम असलूब है। क्या? असलूब। असलूब भाई जी, जी आप कर क्या रहे हैं? मैं आलू खरीदने आया हूँ। आलू खरीदने कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से और हापुड़ में आलू खरीद रहे हैं। जी जी जी, क्या लग रहा है इस बार? पहले आप पहले लग क्या रहा है इस बार? मुझे ये लग रहा है मतलब कि इस बार आलू बढ़िया रहेगा, तेज रहेगा, क्योंकि बंगाल में जो बारिश हुई ना, पहले भी बारिश हुई थी और इस बार भी हुई है, तो पक्का इधर फायदा होगा। कितने वर्षों से आप आलू का काम कर रहे हैं? लगभग 6 वर्षों से। 6 वर्षों से? 6 वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने क्यों नहीं आलू खरीदा था, इस बार क्यों आलू खरीद रहे हैं? पिछली बार मंदा था तो खरीदे क्या फायदा, पैसा फंसा। पिछली बार कितना मतलब एक भी कट्टा नहीं खरीदा था? ना पिछली बार मैंने खरीदा ही नहीं, तो इस बार खरीदने का मन बनाया? जी जी, इस बार खरीदने का मन बनाया। कितने कट्टे अधिकतम आप खरीदने का मन बनाए हुए हैं, कोई टारगेट होगा? अधिकतम 40,000। 40,000 केवल चिप्सोना सूर्या खरीद रहे हैं या अन्य वैरायटी भी खरीद रहे हैं? फिलहाल तो चिप्सोना सूर्या खरीद रहा हूँ, उसके बाद आगे देखो। जैसे कि अभी आपने जो किसान से परचेज किया है वो कौन सा आलू है जरा दिखाएंगे? ये चिप्सोना। इसे आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं? अभी तो खुदाई में अभी पूरा एक महीने का समय बाकी है। अभी से जब ये इतना है तो आगे तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इतना तो आप भी जानते हैं। अच्छा, चिप्सोना का क्या रेट आपने इनको बोला है? 1,020 रुपये प्रति कट्टा। 1,020 रुपये? 1,020 रुपये। मार्केट तो अभी चल नहीं रहा, मार्केट देख रहे हैं, मार्केट कितना मतलब नीचे है तो अभी, कैसे? अभी डाउन है तो आगे बढ़ेगा ही ना, जब बंगाल में खेती नष्ट हो गई तो यहाँ का आलू बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्या आप बंगाल का ही व्यापार करते हैं? और जैसे कि देश भर में क्या गतिविधियाँ हैं, देश भर में क्या हालत है आलू की? देश भर में आलू कम है। कौन कौन से स्टेट्स में कम है? देश बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात हैं। तो तारिक भाई नमस्कार आपका। आपने पहले भी अपने गांव से वीडियो बनाई थी और शायद आपने अपने फसल का पूरा रिव्यू भी करवाया था। ब्लाइट तो पूरे क्षेत्र में है। हाँ जी, पूरे क्षेत्र में ही है। आपने उस दिन कहा था कि हमारे यहाँ पर कोई व्यापारी नहीं आ रहा। हाँ जी, अगले भाई साहब आए हैं, उन्होंने बोले आलू दिखाओ, तो हम बोला चलो भाई दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपको पसंद आता है। भैया बोले खोद के दिखाऊंगा, जैसे खोद के दिखाए, बोले सही है, अभी और भी बढ़ेगा ये थोड़ा बहुत। एक फसल तो नष्ट हो रही फिलहाल तो, बस भैया बोले 1,020 रुपये रेट खुल गया, तो मैंने तो सब दिन लगभग कितने एकड़ का सौदा किया है? लगभग 20 एकड़ का हो गया है, 20 एकड़ और बचा है। 30 एकड़ का सौदा हुआ है। 30 एकड़ में जो एडवांस है वो कितना मिला है आपको? कितना दिया है भैया आपने? 55,000 दिया। 55,000 दिया है तो 30 एकड़ में तो बहुत होता है, फिर 55,000 तो बहुत कम। अभी और भी दे देंगे, अभी तो साइट और पर दिया है ना, अभी तो बस मतलब रोकने के लिए, रोकने के लिए देखने लो साइट किसी और को ना बुक करें। 55,000 बस, इनका इनका मन है, ये तो किसी को भी दे सकते हैं। आप आपसे अगर कोई 1,050 या 1,100 भी लेगा चिप्सोना को, तो वो तो और भी देंगे, किसान की मजबूरी है। जवान की कीमत होती है तो पैसे भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि थोड़ा भूख हमारा हो गया। दे देंगे इनको, कल परसों जब दिन का मन होगा दे देंगे।
इतना विश्वास है। और मान लीजिए आगे जाके रेट और ज्यादा बढ़ गए, किसी कोई व्यापारी इनसे भी ज्यादा 21 निकल के आ गया, 21 आ गया तो 19 भी तो आ सकता है ना। 21 का ही थोड़ा ही रखना है, 19 का भी सोचना चाहिए, 19 का भी सोचेंगे। सूर्य आलू का देखा है अभी कि नहीं देखा? अभी नहीं देखा। और जैसा कि आप इस तरीके से सौदे कर रहे हैं, ऐसे ब्लाइंड सौदे हैं क्योंकि अभी आलू इसके अंदर है, फसल कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, लेकिन उससे आप दरकिनार करते हुए आप सीधा बुकिंग कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सादाबाद में हो रहा है। सादाबाद में आपका बुलंद शहर का एक व्यापारी पहुंच गया, रहने वाला तो वो हाथरस का ही था लेकिन बुलंद शहर में आड़त करता है। और वो वहाँ पे जाके 1000 रुपये कट्टे के जो है 37-97 के सौदे कराए। और आपको यहाँ पर क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप लोग इतना महंगा सौदा क्यों कर रहे हैं। जब भी मैं वीडियो डालता हूँ ना तो किसान कहते हैं यार चूतिया बना रहे होंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये आलू इस बार बढ़ेगा, इस बार आलू बढ़ेगा और इनका आलू भी बढ़िया लग रहा है भैया का, है ना। इस वजह से क्या नया बीज लगाए थे क्या? नया क्या, बस नया ही है तो सब कुदरत की देन है, बस नए को भी भर कर देता है, पुरानों को भी नया कर देता है। एक जगह और खोद के दिखा दीजिए। देखिए किसान साथियों, अभी इन्होंने यहाँ से खोदा था, अब नहीं यहाँ से खोदिए, वहाँ से मत खोदिए, यहाँ से खोदिए, दिखा दीजिए। जी जी बताएं, अब बताएं ना थोड़ा, समझाइए समझाइए किसानों को, हमारे किसानों को समझाइए। देखो आप यही देख सकते हो, अभी ये इतना है तो एक महीने बाद कितना होगा। नहीं वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो ठीक है, लेकिन चिप्सोना के बारे में कहा जाता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी होती है, और मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके शारिक भाई के खेत पे आया हूँ। शारिक भाई ने दम बनाते हुए कॉल किया कि आज मेरा आलू बेचने के लिए तैयार है और व्यापारी बुला रखे हैं, आप आइए आप आइए। तो हमें सादाबाद से यहाँ आना पड़ा, और जो है वास्तविक रूप से आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप जैसे व्यापारियों की तो हमारे देश के किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर देखा है हारिक भाई आपने कि जो है 300-400 रुपये में गड्ढ कर रहे हैं, 600 रुपये में, इससे किसान बेचते पड़ते हैं, 200 रुपये कट्टा, 200 रुपये कट्टा बेचते हैं। तब हमें फायदा आगे हो रहा है तो इनको भी फायदा होना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी कम, 400 रुपये को मेरा कितना पैसा लग गया था, 10-10 इसे कर चुका हूँ। अभी एक भाई साहब की उम्मीद की किरण ले गए थोड़ी बहुत ही, मतलब कुल मिला के आपने 30 एकड़ का चिप्सोना का सीधा सौदा किया है। चलिए थोड़ा सूर्य की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि सूर्य कैसा हाल हो गए साथियों। अब भैया जो है सारे भाई कौन से खेत की तरफ ले जा रहे हैं? सूर्य की तरफ आ गए जी, हम सूर्य की तरफ आ गए। और आप देख लीजिए ये सूर्य आलू है, कितने दिन की फसल हो गई होगी? लगभग लगभग 2.5 महीने की होगी। 2.5 महीने की फसल है। साइज कैसा है? साइज हो रहा है। पहली बार ही खोद रहे हो? हाँ पहली बार ही खोद के देखूंगा जी, भैया दिखा रहे दिखाने को। लो जी चीज से भी देख लो, दिखाओ वहाँ से, दिखाओ बीज उनके लिए, मैं भी दिखा दूँ। चलो दिखा दो, कहीं से भी दिखा दो। चलो इसके हमने खोल दिया 1250 रुपये प्रति कट्टा आलू। देख देख लो जी भैया, देखो लंबा आलू तो काफी है, आलू बहुत बढ़िया है। और अभी तो और ज्यादा लंबा? हाँ जी लंबा होगा, अभी तो अब तो पकेगा ना, और ज्यादा बढ़ेगा अभी, एक महीना और ज्यादा है ना, एक महीने में साइज बनता है। अभी तो बीज जड़े फैला है। क्या रेट चला? 1250 प्रति कट्टा। उसका आपने क्या बोला था? उसका मैंने 1020 जी जी। उसका पेमेंट एडवांस कितना दिया था? 55,000। और इसका कितना एडवांस मांग रहे हैं? इसके लिए लगभग 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं। क्या आप दे पाएंगे? हाँ जरूर दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, जब आलू खरीदना तो देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने बड़े बड़े महंगे महंगे सौदे क्यों कर रहे हैं। ये महंगे कहाँ है अब ये बताओ, ये किसान कहाँ जाएंगे? ये मेहनत कर रहे हैं सर्दी में, देखो जो भी काम है सब काम में मेहनत कर रही है। अगर हमें बिना मेहनत करे हम 1,000 रुपया 500 रुपया 200-400 रुपया कट्टा बचा सकते हैं, ये मेहनत करके 200 रुपये कट्टा फालतू नहीं ले सकते। नहीं किसान क्योंकि आप टेम्परेचर बहुत डाउन है, किसान जद्दोजहद कर रहे हैं, वो ही बात। और मतलब हम इस फील्ड पे आए हैं, इनका इनका पहले मैंने वीडियो बनाया था जी जी। अच्छा अभी तो कितना कितना दिन, कितना दिन पहले बनाया था? लगभग 1 हफ्ता तो हो गया होगा। 1 हफ्ता हो गया। हाँ 1 हफ्ते हो गया था। उस समय पर ये जो है मेरी वीडियो देख रहे थे, बोले यार सोनू यार खंदोली और सादाबाद में ही घूमते रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? इन्होंने पता नहीं कौन कौन से संपर्क साधा, नंबर लिया, मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझे बुलाया। भाई साहब का इतना मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सादाबाद से हापुड़ आना इस ठंड में और पूरा इंतजाम करना,
ये कोई किसान ही कर सकता है, सही बात है। व्यापारी और कोल्ड मालिक नहीं कर सकते, इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं किसानों की, किसानों के हक की, तो किसानी के लिए काम कर रहे हैं तो किसानी करेगा। अक्सर यही लोग वीडियो देखने के बाद में कमेंटबाजी करते हैं। सारे सारिक भाई, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह व्यापारी, पहले आप कह रहे थे कि आप जो है वहाँ पर ही व्यापारियों को लेके आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। आज आपने मुझे ही बुला लिया कि मेरे यहाँ पर व्यापारी आ रहे हैं, हाँ जी। क्या ये पहले से ही तैयार थे कि आपने इन्हें प्रेशर देके बनाया? नहीं, ये पहले से तैयार थे। इनका भी एक बार मेरे पर कॉल आया, 50 एकड़ जमीन है, काफी होती है ऐसी बात नहीं है। तो भैया का फोन आया था कि आलू अभी सौदा हुआ, आप चालू का ये नहीं हुआ। मैंने कहा अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, आप आ सकते हो, देख सकते हो, आपका मन बनेगा ले सकते हो, नहीं बनेगा कोई बात नहीं हुई। क्योंकि बोले चलो अच्छे हैं, फ्राइडे को आएंगे तो आ जाए, इसीलिए आपको कॉल किया है। तो भैया जाना तकरीबन 4 बजे है, तो भाई मैं भी लेट हो गया ना, समय 5 बज रहे हैं। आज पे सादाबाद से चलूंगा, ट्रांसपोर्ट बहुत वो है ना, खुर्जा तक की ट्रेन नहीं मिली थी भाई, खुर्जा तक की ट्रेन नहीं मिली थी, खुर्जा से बस पकड़ के आना पड़ा है मुझे यहाँ पर, वो भी आपके खातिर आया हूँ, नहीं तो यहाँ पर मेरा कोई आने है। सुन भाई, आपका धन्यवाद, आप और भी किसानों को दिखा रहे हो हमारी वीडियो है, जो आपके थ्रू और कोई भी उम्मीद जागेगी किसानों की। देखिए सुखारिक भाई, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आप ये ना सोचें कि 100 दिन मेरे कॉल पर नहीं आए, क्योंकि दिखाने के लिए सादाबाद में मेरे में 850 से लेकर 1100 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकी बदौलत मैं यहाँ इतनी दूर में आया, सर्दी में आया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है आप सभी लोगों से, ख़ास तौर से आपसे मिलकर, क्योंकि आप जो है किसानों के लिए एक नज़ीर, एक प्रेरणा, और एक जो है मतलब आप कहना देवदूत बन कर आए हैं। किसान को मतलब फसल देखने के बावजूद आप इतने महंगे कॉस्टली सौदे कर रहे हैं। अब आप ही यही देखो, जब वहाँ नुकसान हो रहा है फसल का, आलू यहीं हो रहा है फिलहाल, इसी क्षेत्र में हो रहा है और कहीं हो नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है ना, गुजरात देख लो या कहीं भी देख लो, अब ये बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा तो इन्हें भी फ़ायदा होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम सारा ही फ़ायदा अपनी जेब में रख लें। यार सारिक भाई, आपने जो देखा है पश्चिम बंगाल में, आप भी पश्चिम बंगाल में कई किसानों से जुड़े हुए हैं, वहाँ क्या हालत है आप बताएं? बहुत दुर्दशा खराब है जी, वहाँ के किसान भी बर्बाद ही हो गए समझो लगभग। क्या हुआ, क्या बारिश पड़ गई वहाँ, ज़्यादा सारी खेत बह गए, ऊपर से पानी चल गया तो बर्बाद, आलू भी ज़्यादा, वो थोड़ा पानी लग जाए गल जाते हैं, ज़्यादा पानी हो जाता है 1-2 दिन के लिए गल जाता है आलू। ये मतलब बंगाल को देख के ही आलू खरीदते हैं? हाँ जी, बंगाल पे ही वो करते हैं, बंगाल पे ही करते हैं, मतलब बंगाल अगर कम है तो इस साल अच्छा रहेगा, नहीं खरीदते हैं अपना। और जिस साल ब्लाइट भी देख रहे हो कितना पड़ रहा है, ब्लाइट तो उत्तर प्रदेश में है, हमारे इधर तो ब्लाइट में बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के देश में जो आलू की कमी है, बंगाल को सर्वाधिक आप महत्व दे रहे हैं, बंगाल को, और उसके बाद में यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर मैं आपसे एक बात ये सोचना पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पर केवल इन्हीं का आलू खरीदने के लिए आएंगे, अन्य किसानों का भी खरीदेंगे? क्योंकि हापुड़ में हमारी वीडियो देखने वाले भी हजारों में हैं। नहीं, फिलहाल तो इन्हीं का खरीद रहे, और का भी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं, आपके तो हम मन बना के आए हैं कि आलू ही खरीदेंगे। मतलब अभी 40,000 पैकेट का ही लेके चले, 40,000 पैकेट का टारगेट, आगे क्या लग रहा है कि आगे आप और कितना खरीदेंगे? आगे लगभग मैं इसको लेके जाऊंगा 90,000, 1,00,000 के, 1,00,000 के स्टोर करेंगे। जी जी, 1,00,000 का। फिलहाल जो बुकिंग केवल खेतों पे चल रही है? जी जी, खेतों पे चल रही है। क्या खुदाई के बाद भी करेंगे क्या? हाँ, अगर खुदाई के बाद भी देखेंगे, फिलहाल तो खेतों पे टारगेट रखा है, इसके बाद इसमें देखते हैं, फिर खेतों में करेंगे डायरेक्ट। क्या आप हमारे सादाबाद आएंगे? आएंगे, अगर आप बुलाएंगे तो आएंगे। हम तो बुला रहे हैं, हमारे किसान तो वीडियो देखने के बाद में कहेंगे इनके, इनका नंबर चाहिए। वहाँ से पहले किसान तो बुलाए ना इनको, तभी तो आएंगे, ऐसे थोड़े चले जाएंगे। अभी इनसे कॉन्टैक्ट हुआ हमारा, तो जब भी तो हम यहाँ आप आए, मेरे दोस्त ने इनका नंबर दिया था, इनसे कॉन्टैक्ट हो पाया मेरा। क्या आप क्वालिटी देख कर आलू खरीद रहे हैं या सीधा फसल देख के खरीद? क्वालिटी देख के और फसल देख के भी। अगर मान लो क्वालिटी है ना मेन चीज़, तो फसल का क्या है? क्वालिटी वही है, जैसे कि ये देखते हैं कि एक तो चिप्सोना जो है 900 रुपये कट्टा बिकता है, अगर उसी का अगर गिरी हुई क्वालिटी तो 600 का बिकता है। मतलब क्वालिटी को वो रख रहे हैं आप, प्रायोरिटी क्वालिटी पे चल रही है, ऐसे ही सूर्या का है। तो ये आप क्लियर क्यों नहीं बता रहे वीडियो में भाई? क्वालिटी बोलो ना। क्वालिटी बोलते रहे, देखो अभी आपने कहा था फसल की, आप तो फसल की बोल रहे हैं, मैं तो फसल देख के बुकिंग कर रहा हूँ। भाई क्या बोला, पहले भी क्वालिटी बोला था और अब भी क्वालिटी बोला है। क्वालिटी क्वालिटी के ऊपर डिफरेंस है ना, तब फसल खड़ी पड़ी। तो आप जो है सिर्फ मोटा ही मोटा खरीद रहे हैं या गड्ड? फिलहाल तो बढ़िया मोटा का सौदा, सिर्फ मोटे का ही सौदा कर रहे हैं। यह जब खुदाई होगी तो आप इन्हें मोटा मोटा पैक करके, हाँ जी हाँ जी, और आपका कल्टीवेशन वो छटाई हो जाएगी, उसके बाद उसका किसानों का फायदा करने के लिए आप यहाँ पर आए। जी जी जी, अब बताओ 600-700 रुपया कट्टा बिक रहा है, हम 1020 का खरीद रहे हैं, आप ही बताओ
फिर भी बेनिफिट ही है, फिर भी बेनिफिट ही है, भर के ले जाएंगे, भर के ले जाएंगे अपनी वो गाड़ी आ जाएगी। और बाकी जो छोटा आलू है उसकी रेट की बाद में हम बात कर लेंगे। तो गुल्ला गुल्ली बेचना है या रखना है? नहीं जी, बेचना है, सब बेचना है। तो सौदा बाद में करेंगे, अभी कर रहे हैं? बाद में कर लेंगे उसका सौदा, तो उसका बाद में करेंगे, उसका बाद में। फिलहाल मतलब यही है कि आप जो है सूर्य चिपसोना का ही कर रहे हैं? जी जी, सूर्य चिपसोना कर रहे हैं फिलहाल। 3797 यानी 3797 का किया, कोई नहीं किया अभी? नहीं किया। जैसे कि आपके फादर भी लगे हुए हैं, वो भी, वो कौन सी जगह पर आलू खरीद रहे हैं? वो साइड से कौन सी बात नहीं आज उनको तो करती है। और भैया राम राम जी। जी नमस्ते। अरे क्या हाल है भैया, तुम कैसे शांत बैठे हुए? परसों उस दिन भी वीडियो बनाई थी तब भी शांत थे। नहीं नहीं, आज तो, आज छोटे भाई है ना, ये क्या बोलेंगे जी, बड़े भाई बोल रहे थोड़ी है। आज बड़े भाई बोल रहे तो छोटे बढ़िया लग रहा है क्या? जी बहुत अच्छा, हम तो धन्य है आए हमारे गाँव में। हम तो सोचे थे, हमने तो आज खत्म कर दी थी बिल्कुल ही, मतलब बिकेगा नहीं, नहीं बिकेगा। ये जो मंदे लोग हैं भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मंदे मतलब जो कह रहे हैं आलू फेंकेगा, आलू बम्पर पैदावार है, मुझे आप व्यापार कर रहे हैं और आप इतना महंगा सौदा खरीद रहे हैं, आप मुझे बताइए कहीं पे भी आपको जो है फसल बम्पर लग नजर आई? नहीं है, नहीं है। मतलब चारों तरफ घूम रहे हैं तो बम्पर फसल नहीं है? शारिक भाई बम्पर फसल है? नहीं जी, बम्पर तो बिल्कुल रहे ही नहीं, बिल्कुल ही ब्लड ने खत्म कर दिया, ब्लड ने खत्म कर दिया सब, बिल्कुल जड़ नष्ट कर, फसल नष्ट हो गई। किसान साथियों, भैया थे और मैं था हापुड़ में, और भैया आए थे मेरठ से आलू खरीदने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा, जेन्युइन सौदे हैं, उम्मीद के सौदे हैं, और किसानों को कुछ राहत देते हुए भैया ने बहुत अच्छे सौदे किए हैं। चिपसोना का किया है 1020 रुपये प्रति कट्टा में, सूर्य का किया है 1250 रुपये प्रति कट्टा में। तौल कितनी है भैया? 52 kg। कितनी तौल है? 52 kg। 52 kg की तौल है, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो आप कट्टा भर के देख के जाते हैं बैग, उसकी कीमत है, क्विंटल की कीमत नहीं है। कभी भी क्विंटल से कीमत को मत आंकना, मेरा आप लोगों से यही कहना है। और भैया अपने सादाबाद में भी, खंदौली में भी फादर को लेकर विजिट करने आएंगे, 3797 खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर मुझसे संपर्क कर लेना, न संपर्क हो तो भैया से, कैसे भी इन तीनों से नंबर लेकर भैया से कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिलें। इस वर्ष जो है आलू में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और यही कारण है कि व्यापारी इतने महंगे सौदे जो हैं खेतों पर करने उतरे हुए हैं। बहरहाल हापुड़ के सलोनी गांव से मेरे साथ में इतना ही, रात बहुत हो रही है, ठंड का मौसम भी है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, लेकिन 600-700 रुपये प्रति कट्टा किसी भी व्यापारी को देना मत, क्योंकि कई यूट्यूबर जो हैं दुकान खेतों में जा जाकर व्यापारियों और उनके 500-600 रुपये लेकर उर्दमबाजी कर रहे हैं कि 600 में हो रहा है, 450 में हो रहा है, देखा होगा अक्सर आपने। ये लोग सिर्फ किसानों को निचोड़ने का काम करते हैं, इनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा भैया का जो सारिक भाई के खेत पर आकर आलू की खरीदारी की और उन्हें जो है एक उत्साहवर्धन किया। यकीनन ऐसे व्यापारियों की ही देश भर में किसानों को बेहद ज़रूरत है। दिल खोल कर देखिए, आसमान बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है जब आप इनसे मिलोगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बेनिफिट आलू की फसल से इस बार मिलने वाला है। चलो चलो, अच्छा हुआ।